हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लाइव सेशन ऑफ मोनोलॉग क्लासेस। आई एम दिनेश कुमार एंड आई विल टेक टुडेज 5th जनवरी 2023 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज इज सेंटर क्लियर्स ₹19,744 करोड़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो बेसिकली एज यू नो दैट देर इज अ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, लाइक वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस एंड द राइजिंग ऑफ द सी लेवल। ठीक है, तो अब जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कट करने के लिए, क्योंकि फॉसिल फ्यूल इज वन ऑफ द रीजन टू कॉज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सो उसको कर्व करने के लिए और गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग और दिस ग्रीन हाउस गैसेस। सो ग्रीन हाउस गैस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ रुपीज एलोकेट कर दिए इस मिशन के लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका पर्पज क्या है। तो बेसिकली इट विल रिड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई 2030। तो कंसेप्ट ये है कि जो हमारा ग्रीन हाउस इमिशन गैसेज होती हैं उसको ये 50 मिलियन टन कम कर देगा। तो जो जैसे हमने बताया कि हमारे पेट्रोल से, डीजल से कि जब ये जलते हैं तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। सो ऐसा एस्टिमेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि बाय 2030 जो हमारी डिपेंडेंसी है उन पर 50% तक उसको ये कम कर देगा। सेकंड है इसका, इट आल्सो रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ फ्यूजल फ्यूल ऑफ ₹1,00,000 करोड़। तो जो हम 1,00,000 रुपए के फॉसिल फ्यूल खरीदते हैं, मीन्स पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं दूसरे देशों से, वो 1,00,000 रुपए के हम नहीं खरीदेंगे। रादर वी विल आल्सो एक्सपोर्ट दिस ग्रीन हाउस। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे सो वी विल आल्सो अर्न मनी। सो हम ये इट विल आल्सो बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। बेसिकली क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रीन हाउस को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से भी हमको पैसे आएंगे और अपनी जो हम ये है हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर, जिसको कि हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को खरीदने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपीज देते हैं, वो भी हमारे पैसे बचेंगे। सेकंड, व्हाई वी आर शिफ्टिंग टू दिस ग्रीन हाइड्रोजन। सो बेसिकली व्हेन इट इज यूज्ड इन द व्हीकल इट रिलीजेस ओनली स्ट्रीम। तो ये स्मोक नहीं रिलीज करती, केवल स्ट्रीम रिलीज करती है, क्योंकि स्मोक इज मोर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट और स्ट्रीम इज not harmful for the environment. Hydrogen produced is used to be green if all its inputs are green. Decarbonization plan of many countries include the green hydrogen because combusting hydrogen releases only heat and steam. तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं तो इससे केवल हीट और स्टीम निकलती है और जो स्मोक है हमारा, which is one of the main reason to cause the this greenhouse emission और द ग्लोबल वार्मिंग इज रिड्यूस टू द ग्रेट एक्सटेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ दिस न्यूज, बॉम्बे हाईकोर्ट इश्यूज नोटिस टू NIA टू रिप्लाई टू गार्डलिंगाज अपील। ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज डिफॉल्ट बेल। दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट एंड दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली वर्ड इज डिफॉल्ट बेल। So there is section 167 of CRPC. Section 167 of CRPC contains the provisions regarding default bail. Now we will understand this, what is default bail. So default bail means, suppose as a general rule, when an FIR is registered against an accused person, जब किसी accused person के against FIR register की जाती है, so police is required to submit the charge sheet as per the heinousness of the crime or the graveness of the crime. So in some of the offenses police is required to produce the charge sheet in 90 days. Generally in the cases which are punishable with the death or punishable with the life imprisonment. Secondly, police is required to file the charge sheet in 60 days in the cases which are punishable less than life imprisonment. But if the police does not submit or file this charge sheet within this stipulated time, then the accused get the
डिफॉल्ट बेल और राइट टू बेल। मींस अगर पुलिस पुलिस की ड्यूटी है कि उसको 90 डेज में या 60 डेज में चार्जशीट को सबमिट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद, लेकिन पुलिस अगर उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करके चार्जशीट सबमिट नहीं करती, देन इट इज़ द डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस डिफॉल्ट द एक्यूज गेट द राइट टू बेल एंड दिस इज दैट इज द रीजन इट इज नॉन एज द डिफॉल्ट बेल। बट दिस राइट विल नॉट बिकम अवेलेबल टू द एक्यूज्ड पर्सन मेयरली बाय नॉट फाइलिंग द चार्जशीट। So suppose if this right was acquired by the accused person and he is not ready and he does not fulfill the all the requirement of bail, then this right will not be given to the accused person. इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस ने चार्जशीट नहीं फाइल की है और उसको डिफॉल्ट बेल का राइट मिल भी गया है लेकिन वो बेल की फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करता, तब भी उसको ये राइट नहीं मिलेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इसमें भी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। Now we come to the value of the local self-government. Article 40 of the Constitution of India. Constitution of India ka Article 40. It says that state shall organize village panchayat. So state ki duty hai ki wo village panchayat ko organize karega. Why the state will organize village panchayat? State will organize village panchayat because ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या समझते हैं आप? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सो बेसिकली व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड, बेसिकली इफ ऑल द पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मे नॉट बी अवेयर अबाउट द लोकल प्रॉब्लम्स। दीज गवर्नमेंट मे नॉट बी अवेयर अबाउट द अराउंड 2 lakh और 3 lakh विलेजेस ऑफ द country because they work at the greater level and they may not be aware about the various problems faced by the local level or the villagers or the at the city level. So this concept was recognized by the Constitution of India in Article 40. Now considering this concept, two amendments were made in our constitution, and that is the 73rd constitutional amendment and 74th constitutional amendment. So by way 73rd constitutional amendment, part 9 of constitution of India was incorporated, and by 74th constitutional amendment, part 9A of the constitution of India was incorporated into the constitution. Now these parts provides that the local self-government will be at the local level and it will take care the local need of the people. Now these are given the fund directly from the state government or from the central government. So when the fund is given to them directly, it also ensure the transparency in the administration and it also remove the corruption to the great extent. Next point is that these person can apply their fund or can use their fund as per their own requirement. Pehle kya hota tha? Pehle their requirement used to be decided by the central government or state government. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लोकल लेवल पर लोगों को वाटर की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, सो द रीजन वॉज दैट देयर मेन प्रॉब्लम वॉज नॉट रिजॉल्व। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें रखा हुआ है। नाउ वी कम टू द वैल्यू ऑफ द लोकल सर्वेंट, जो हमारे ऑथर हैं मैथ्यू जी। तो मैथ्यू जी क्या कहते हैं? मैथ्यू जी ने यही कहा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इनके लिए वी हैव मेड द प्रोविजंस बट दीज कुड नॉट अचीव देयर रियल ऑब्जेक्टिव। रियल ऑब्जेक्टिव मीन्स जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे, दीज अमेंडमेंट कुड नॉट। So it does not means they did not achieve any objective, ठीक है। So it means that they achieved to the great extent their objective, but still they could not achieve the 100% objective. One of the reason is that the lack of awareness. Second, we provide reservation 33% reservation to the women in the this local bodies. Of this 33% reservation means from all the seats 33% seats will be reserved for the women, and these women can belong to the different categories like the
जनरल ओबीसी एससी एनएसटी, तो दिस इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन। लेकिन ये जो जनरली क्या होता है कि दीज वोमेन आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट एंड दीज आर प्रिसाइडेड प्रैक्टिकली बाय देयर हस्बैंड, सो द पर्पज द वेरी पर्पज टू एम्पावर द वोमेन वॉज नॉट अचीव टू द ग्रेट एक्सटेंट इन अवर कंट्री। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। नाउ अगेन जल्दी कट टू, आई ऑल्सो डिस्कस दिस कंसेप्ट यस्टरडे, बट नाउ टूडे आई विल डिस्कस इट विद देम फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो जल्लिकट्टू इज अ गेम इन तमिलनाडु इन विच द बुल इज यूज एंड दिस गेम इज कंसिडर्ड एज क्रूअल गेम अगेंस्ट द एनिमल और इट कॉजेज क्रुएलिटी अगेंस्ट द एनिमल, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस गेम वॉज चैलेंज इन द केस ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेज ए नागराजा, 2014 का ये जजमेंट है। इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस गेम ऑफ जल्लिकट्टू इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एनिमल्स बिकॉज इट अमाउंट टू द क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल। वॉट हैपन सब्सिक्वेंटली, सो वी वर नॉट हैविंग एनी लॉ इन दिस रिगार्ड, सो सब्सिक्वेंटली दिस प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड और एनेक्टेड बाई द पार्लियामेंट, बट आफ्टर दिस डिसीजन पार्लियामेंट एज वेल एज दिस तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एनेक्टेड सम रूल्स टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया दैट इट इज अगेंस्ट द एनिमल इंटरेस्ट, देन इट वॉज नॉट अलाउड फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु टू प्ले दिस गेम। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट और टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे इंट्रोड्यूस दिस लॉ, मीन्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल कंडक्ट ऑफ जल्लिकट्टू रूल्स 2017। सो दीज रूल्स एंड दिस एक्ट नलीफाई द इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सम ऑफ द पर्सन कंसीडर दैट दिस जल्लिकट्टू इज द पार्ट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। हाउ इट इज कंसीडर इज द पार्ट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, तो बेसिकली वे ऐसा मानते हैं कि दिस गेम जो है ये गेम काफ़ी दिनों से काफ़ी सेंचुरी से वो लोग इस गेम को प्ले करते हैं, सो इट बिकम द पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द राइट टू एवरी पर्सन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, प्रोटेक्ट प्रैक्टिस एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। लेकिन अदर पीपल और हु आर अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट और दिस एक्ट दे कंसिडर दैट नो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, रादर इट इज द क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल। दे कंटेंटेड दैट मीन्स द क्रिटिक कंटेंटेड दैट अर्लियर सती प्रथा और द डाउरी वॉज ऑल्सो कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ द कल्चर, सो वो पार्ट ऑफ द कल्चर नहीं थी और इसलिए दीज वर द सोशल इविल, सो एज दीज इविल्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। सिमिलरली द जल्लिकट्टू विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एनिमल शुड ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। तो इसको हम कुछ लोग मानते हैं फंडामेंटल राइट्स, कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट, रादर इट इज ए सोशल इविल। So now we need to take the final decision in this regard. So we cannot give any final verdict. Rather, we need to take the approach of Honorable Supreme Court in this regard. I just explained the view of the different people in this regard. Now, SC stays order allowing UP local body polls without OBC reservation. So basically what happened? There are elections in the UP recently. Honorable Allahabad High Court directed the government that government should hold the local bodies election in UP without considering the reservation to OBC. But the UP government approached
अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टे द ऑर्डर ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट एंड कंसिडर दैट द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद द रिजर्वेशन टू द ओबीसी सो फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन एंड दैट कमीशन वॉज अर्लियर यूज टू गिव द रिपोर्ट इन 6 months But now this commission will give the report by 31st March 2023. So, the Tushar Mehta, Attorney General of India, has given the assurance to Honorable Supreme Court that all the formalities or all the investigation or inquiries in this regard will be conducted by the commission in a time-bound manner. That is the 31st March 2023. So, uske baad local body mein election honge. Acid attack victim failed to back off a cohesive law legal process. So, basically, this information is general in nature, but I give you the substantive information in this regard. There is a section 326A and 326B of IPC, which deals with the acid attack. And as all of you are aware that the acid attack or the cases of acid attack are increasing in our country day by day. So there is a need to prevent such kind of incident in the society. So Section 326A and 326B of IPC deals with this offense, and Section 100 Clause 7 of IPC gives the right to the victim of acid attack even cause the death of the person who is accused of acid attack means कि अगर किसी victim के ऊपर कोई person acid attack करता है या attempt to acid attack करता है तो even on the basis of attempt the victim has the right to cause the death of the person. The rest of the news are not so important from your examination point of view. So that's all for today, my dear students. I will come again with the Hindi analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.